महापुरुषों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। बीजेपी बंगाली संस्कृति, संस्कार और महापुरुषों के जरिए जनमानस के दिलों में जगह बना रही है, लेकिन टीएमसी को यह हजम नहीं हो रहा। विरासत पर अधिकार को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जंग छिड़ गई है। मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के मौके पर उनके घर में राजनीतिक दलों का तांता लगा रहा। इस मौके पर बीजेपी और टीएमसी नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी किए। वक्त और नजाकत के साथ सियासत किस तरह से रंग बदलती है, इसकी पानगी है कोलकाता की ये दो तस्वीरें। स्वामी विवेकानंद की 153वीं जयंती के मौके पर बीजेपी ने पूरे देश में कार्यक्रम किए और कोलकाता में विवेकानंद के निवास पर जाकर उनकी मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो टीएमसी का माथा ठनक गया। वोट की खातिर उसे महापुरुषों की याद आ गई। आनन फानन में प्लान बना और अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में तमाम टीएमसी नेता गाजे बाजे के साथ विवेकानंद के निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में विरासत और संस्कृति पर अधिकार की जंग शुरू है। स्वामी विवेकानंद की जयंती हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, लेकिन चुनावी मौके पर मंगलवार को विवेकानंद जयंती पर अलग ही नजारा दिखा। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में विशाल रैली निकाली। दिलीप घोष ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो मार्ग दिखाया है वो युवाओं को प्रेरणा देने वाला है। वहीं टीएमसी का कहना है कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। सब साउथ कोलकाता में जो कालीघाट का जो ममता बनर्जी का वार्ड है वही से पश्चिम बंगाल है क्या? हम लोग क्या बाहर से आया हुआ है? यहाँ पे जितने खड़ा एक भी दिखाया ना बाहर का है, और बाहर का कहता है वी आर इंडियन, उसके बाद वी आर बंगाली। ये जरा धर्मे धर्मे विभाजन करते चाहे এই মাটি করতে দেবে না। এটা গুজরাট নয়, এটা রাজস্থান নয়, এটা মধ্যপ্রদেশ নয়, এটা বিহার নয়। স্বামীজির জন্ম এই মাটিতে, ভুলে গেলে চলবে না। যারা স্বামীজির ছবি সামনে রেখে 2014 সালে প্রচার করে সারা ভারতবর্ষে ঢাক ঢোল পিটিয়ে আচ্ছে দিন আয়েগা বলে প্রচার করেছিল, ন্যূনতম মর্যাদা বেলুড় মঠকে ক্ষমতায় আসার পর দেয়নি, এই জিনিস তো বাঙালি ভুলে যাবেন। महापुरुषों को सम्मान देकर और बंगाली संस्कृति से जुड़कर बीजेपी बंगाली मानुष से जुड़ रही है। सूबे में बीजेपी का जनाधार भी तेजी से बढ़ा है, जिससे दीदी की नींद हराम है और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव चरम पर है। स्वामी विवेकानंद जी केवल बंगाल के नहीं है, पूरे देशवासियों के हैं, बल्कि विदेशों के भी उनकी प्रसिद्धि है, लोकप्रिय रहे हैं। स्वामी विवेकानंद संत हैं, और संत किसी एक का नहीं होता है, एक राज्य का भी नहीं होता है, संत सबका होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी सबके हैं, पूरे देश के हैं। ममता जी का कहना कि नहीं हमारे हैं, वो कह रही हमारे हैं, ये अच्छी बात है कह रही हैं, लेकिन वो चुनाव के बाद भी स्वीकार करती रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जब वो बीजेपी कहीं जाती है उसके पीछे वो पिछलग्गू बन जाती हैं, कह देती ये हमारा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि स्वामी के विवेक और सिद्धांतों पर चलकर पश्चिम बंगाल को विकास और आनंद के रास्ते पर लेकर जाएंगे। इधर ममता बनर्जी कह रही है कि विवेकानंद की भूमि नफरत की राजनीति करने वालों को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन सवाल यह है कि अब तक ममता बनर्जी जो तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, अब तक उनको विवेक क्यों नहीं आया? टीएमसी के गुंडों ने सूबे की राजनीति को रक्त रंजित कर दिया है, लेकिन चुनावी मौके पर ममता को बंगाली संस्कृति, महापुरुष और संस्कार याद आ रहे हैं। बंगाल से जुड़ी खबरें फिर दिखाऊं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक चलती बस में भीषण आग लगी है। देखते ही देखते बस खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये गनीमत रही कि किसी की जान इसमें आहत नहीं हुई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तस्वीर देखिए, एक चलती बस में आग लगी और इतनी जबरदस्त आग दिख रही है। हालांकि ये अच्छा रहा कि जो यात्री थे वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। 19 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल का दौरा किया था और स्वामी विवेकानंद, खुदीराम बोस और रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी थी। बस यही बात तो ममता दीदी को खटक गई। बीजेपी की रणनीति का काट निकालने के लिए टीएमसी के नेता महापुरुषों की माला जपने लगे और उन्हें अपना बताने लगे। चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति महापुरुषों के इर्द गिर्द घूमती ही नजर आ रही है। देखिए कैसे।
ये दोनों तस्वीरें पिछले महीने की हैं। 19 दिसंबर को अपने बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद, खुदीराम बोस और रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी, बंगाल की संस्कृति और कला को सम्मान दिया और उससे जुड़ने की कोशिश की। इसके बाद 24 दिसंबर को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी ने उनके एक एकला चलो मंत्र को दोहराया और उनके आदर्शों की बात की थी, जिसके बाद बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया। यही वो स्थान है जहां भारत की आकाश गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और अध्यात्म को जोड़ने का काम किया। अमित शाह का महापुरुषों के घर जाकर उन्हें सम्मान देना टीएमसी अध्यक्ष, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को खटक गया और महापुरुषों के नाम पर राजनीति चरम पर पहुंच गई। दीदी को लगा कि कहीं महापुरुषों के जरिए बीजेपी बंगाल फतेह न कर ले। लिहाजा आनंद फानंद में कई सियासी प्लान तैयार कर डाले। दीदी ने पहले अमित शाह पर रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करने का आरोप लगाया और फिर बीरभूम में शाह के रोड शो को जवाब देने के लिए टैगोर की तस्वीर लेकर पैदल मार्च कर डाला। ये दो तस्वीरें देखिए। जिस सड़क पर गृह मंत्री ने रोड शो किया था, ठीक उसी जगह पर दीदी ने मार्च किया। पिछले 10 साल में शायद ही कभी ममता की जुबान पर विवेकानंद या टैगोर का नाम आया हो। लेकिन इस बीच दिल्ली के अलीपुर थाने में किसानों से जुड़ा मसले में FIR दर्ज कराई गई है किसानों के खिलाफ। दिल्ली के ही पूर्व ACP वेद भूषण ने FIR दर्ज कराई और उन्होंने कहा है कि NSA के तहत कार्रवाई की जाए, ये उनकी मांग है। दिल्ली के पूर्व ACP वेद भूषण ने किसानों के खिलाफ FIR दर्ज कराई और NSA के तहत कार्रवाई की मांग भी की है।